हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गुरु। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो हालांकि आज मैं मैथ नहीं बताने वाला हूं, बल्कि आज मैं इंग्लिश का एक कंफ्यूजन चीज़ बताने वाला हूं, जिसका नाम है केस। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि केस क्या होता है, केस कितने प्रकार के होता है, और हम इसको कैसे पहचानेंगे कि यह इस केस का नाम यही क्यों है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। जब भी 10-15-20 मिनट का वीडियो होगा, इससे मैं सारा चीज़ कवर करूंगा। हालांकि पजेसिव केस का तो विस्तार कुछ बड़ा ही है, तो एक वीडियो में संभव नहीं। तो यदि आपके इस वीडियो पर 100 कमेंट से ज़्यादा अगर आते हैं, तो हम इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल शून्य से शिखर तक ले जाऊंगा। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब जीरो टू हीरो, जहां से अंग्रेजी की शुरुआत होती है वहां से मैं जहां तक अंत होती है वहां तक मैं ले जाऊंगा। अगर आपकी अगर 100 कमेंट से अगर ज़्यादा अगर मुझे दिखाई दी इस वीडियो पर, तो ठीक है, क्योंकि ये पढ़ने वालों की अगर ललक होती है तभी तो पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं ना। तो इसीलिए अगर कमेंट आते हैं 100 से ज़्यादा, तो मैं ज़रूर ही स्टार्ट कर दूंगा, तो मैथ भी चलेगी और इंग्लिश ग्रामर भी चलेगी। ठीक है, तो देखिए आज बताने वाला हूँ कि केस क्या है। ठीक है, केस केस व्हाट इज केस, केस मतलब क्या होता है, कारक होता है। केस मीन्स क्या होता है, कारक, जो कि आप हिंदी में पढ़ेंगे केस कितने प्रकार के होती है, तब पढ़ेंगे कि हिंदी में केस 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम अंग्रेजी में पढ़ने वाले हैं कि केस कितने प्रकार की होती है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि केस जो होता है, पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे केस क्या होता है। तो किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन की स्थिति को बताने के लिए जिस जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम केस कहते हैं। ठीक है ना, नाउन और प्रोनाउन की स्थिति परिस्थिति क्या रहता है उसी चीज़ को बतलाया जाता है और उसी चीज़ को कहा जाता है कि इसे केस है। ठीक है, तो आप परिभाषा लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए, किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन को के स्थिति को बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे केस कहा जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं। इसको ना तीन टाइप्स के होते हैं केस, मुख्यतः होता है कितना टाइप का, तीन टाइप का होता है। ठीक है, केस जो होता है मुख्यतः तीन टाइप का होता है। फर्स्ट प्रकार की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्टिव केस, जिसको नोमिनेटिव केस कहा जाता है, केस कहा जाता है। दूसरा नंबर है ऑब्जेक्टिव केस, जिसको एक्यूजेटिव केस कहा जाता है, सब्जेक्टिव केस का मतलब हुआ कर्ता कारक, और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हुआ, कर्म कारक। क्या हुआ, कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या हुआ, कर्म कारक। तीसरा नंबर है पजेसिव केस, जिसको बोल सकते हैं, पजेसिव केस को आप जेनिटिव केस बोल सकते हैं, पजेसिव केस को जेनेटिव केस, इसको बोलते हैं संबंध कारक। ठीक है, जैसे माई पेन, आवर पेन, सब क्या है, संबंध बताते हैं। ठीक है ना, कि मेरे से संबंध है, आवाज संबंध है, योर पेन तुम्हारा संबंध है, और ये अधिकार भी है कि तुम्हारा कलम। तो ये तीन तरह के होते हैं। तो आप कहिए कि दो जो और है जो हमें सुनाई देती है कि डेटिव एक होता है केस, कि डेटिव केस होता है और एक वोकेटिव केस होता है, तो फिर ये क्या है,
तो हम कहें कि ये भी प्रकार ही हैं मित्रों, लेकिन अब जो है इसे डेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस मान लिया गया है और वोकेटिव केस को सब्जेक्टिव केस मान लिया गया है। क्या मैंने कहा और आपने क्या सुना, ध्यान दीजिएगा। वोकेटिव केस को सब्जेक्टिव केस मान लिया गया है और डेटिव केस को ऑब्जेक्टिव केस मान लिया गया है। अब कैसे मान ली गई है उस चीज़ की चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्टिव केस क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ कि सब्जेक्टिव केस क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्टिव केस को जानने के लिए फर्स्ट नंबर पॉइंट देते हैं। अगर मान लिया जाए कि हमने कोई एग्जांपल दिया, क्या मैंने एग्जांपल दिया कि ही स्पीक्स, वह बात करता है तुमसे। ही स्पीक्स यू, वह तुमसे बात करता है। अगर मैं बोलूं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ यू, ठीक है ना, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह के मैंने सेंटेंस बोला, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसको बोलते हैं सब्जेक्ट का स्थान। इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट का स्थान। और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट का स्थान, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट का स्थान, ठीक है। तो एक और हम एग्जांपल देते हैं और अच्छी तरह से क्लियर हो सकता है, ठीक है। सुजीत टॉक्स, बातचीत करता है, यहाँ पे नाम लिख देते हैं किसी का, रहीम लिख देते हैं, ठीक है, रहीम लिख दिए। सुजीत रहीम से बातचीत करता है, ठीक है। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं और आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन क्या है। कि सब्जेक्ट का स्थान है, सब्जेक्ट का स्थान है, सब्जेक्ट का स्थान है। सेंटेंस के जो शुरुआती होती है वह सब्जेक्ट का स्थान होता है, और जो सेंटेंस का जो जो वर्ब के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, चाहे फिर पोजीशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक फिर पोजीशन का ऑब्जेक्ट होता है अर्थात फिर पोजीशन के बाद आएगा, और एक वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है जो वर्ब के बाद आएगा। जैसे ये सब क्या है? वर्ब है। स्पीक्स बोलना, टीचिंग पढ़ाना, टॉक्स बातचीत करना, तो क्या है? टॉक्स है, टीचिंग है, स्पीक्स है, ये सब मेन वर्ब है। क्या है? ये सब मेन वर्ब है मित्रों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि स्पीक बात करना मतलब कोई एक्शन हो रहा है। बात करेंगे तो आपका लिप्स चलेगा, दांत चलेगा और जीभ चलेगा, मतलब कुछ ना कुछ एक्शन होगा। पढ़ाइएगा तो हाथ चलेगा, आपका शरीर हिलेगा, कुछ ना कुछ तो एक्शन होगा, ठीक है। और बात की जाएगा तो वही बात है, बोलिएगा या बात की जाएगा तो सब प्रतिक्रियाएं होगी, एक्शन होता है रिश्ता, ठीक है। तो ये क्या है? वर्ब है जो स्टेट और एक्शन को बतलाता है, ठीक है। अगर स्टेट की बात करो तो आई एम टीचर्स, आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। तो क्या है? मेरा अवस्था है शिक्षक होने का। यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, तो तुम्हारा विद्यार्थी होना का एक क्या अवस्था है। तो एम वार यहाँ पे क्या हो जाता है? वो होता है एक स्टेटिव वर्ब हो जाता है जो अवस्था को बताता है, और जो एक्शन को बतलाता है उसको डायनेमिक वर्ब बोलते हैं। तो हम वर्ब के चैप्टर में हम पढ़ाएंगे खेल के। अगर आपके 100 कमेंट पूरा हो जाते हैं तो मैं इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल शुरू से और इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल मुफ्त में बतलाई जाएगी, जिसका एक भी पैसा नहीं लगेंगे, ठीक है। देखिए, तो अब इसमें देखिए हमने क्या बतलाया कि शुरुआती जो सेंटेंस की होती है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और जो हमने बतलाया कि वर्ब के बाद जो आता है नाउन या प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और शुरुआत में जो नाउन और प्रोनाउन आता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो वर्ब के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, या फिर पोजिशन के बाद जो नाउन और प्रोनाउन आता है क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट, एक फिर पोजीशन का ऑब्जेक्ट।
और यह क्या है सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे सब्जेक्टिव केस बोल देंगे। ये जो आपको तीनों नज़र आ रहा है ये सब क्या है सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। और यह जो आपको नज़र आ रहा है ये तीनों क्या है ऑब्जेक्टिव केस है। इसको क्या बोल देंगे मित्रों ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। इस बात को आप समझ गए सब्जेक्टिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो आप कहिएगा कि सब्जेक्ट के स्थान पर हमने तो एक ऐसा देखा है कि देयर वाज ए किंग, एक राजा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कहिए कि देयर सब्जेक्ट है तो नहीं देयर सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि देयर तो ज़रूर सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया है, लेकिन हमने एक और बात कहा था कि सब्जेक्ट के स्थान पर जो नाउन और प्रोनाउन आता है वही सब्जेक्टिव केस है। तो देयर नाउन या प्रोनाउन नहीं है या तो एडवर्ब है, और एडवर्ब कभी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। तो सब्जेक्ट अगर बन ही नहीं सकता मित्रों तो फिर ये कैसे हो सकता है बतलाइए। देयर एडवर्ब है, एडवर्ब कभी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, नाउन और प्रोनाउन ही बनता है, तो इसलिए सब्जेक्ट नहीं है। आपका सब्जेक्ट यहाँ पे एक किंग है, एक राजा है, इसलिए वर्ब सिंगुलर लगा। तो कहिएगा कि अर्थात अगर किंग्स रहता तो हमें वेयर लगाना पड़ता। तो हाँ आपने सही कहा है और आपने सही सुना है, देयर वेयर किंग्स ही होता, बिल्कुल राइट है, 1000% राइट है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा नॉलेज हुआ। और मैं आपको बतलाने वाला हूँ अब कि थोड़ा पजेसिव केस क्या होता है, ठीक है ना। पजेसिव केस तो देखिए पजेसिव केस बता लेते हैं, उसके बाद मैं बतलाता हूँ कि डेटिव वोकेटिव केस को कैसे सम्मिलित कर दिया गया। तो पजेसिव केस जो होता है मित्र, जैसे मैंने कि बोला कि ही इज, या फिर मैं बोला कि हाँ ठीक है रहने दीजिए, ही इज माई ब्रदर। यदि मान लिया जाए कि हमने बोला कि इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, ठीक है। तो ब्रदर पर अधिकार कौन बता रहा है, माई बता रहा है ना कि मेरा भाई है, किसका भाई है मेरा भाई। अगर तुम्हारा भाई रहता तो हम ले देते कि इज योर ब्रदर, ठीक है ना, ऐसा हम बोल देते। तो क्या बता रहा, अधिकार बताने का काम कर रहा है, पजेशन बताने का काम कर रहा है। तो क्या हो सकता है, यह हो सकता है पजेसिव। अगर मैं बोल दूँ कि दिस इज योर अम्ब्रेला, ठीक है ना, यह तुम्हारा छाता है, ठीक है। तो योर क्या बतला रहा है, पोजेशन बता रहा है कि किसका छाता है, तुम्हारा छाता है। अगर मैं बोल दूँ सुजीत पेन इज गुड, सुजीत का कलम अच्छा है, सुजीत का कलम अच्छा है, तो हमें पजेशन बताने का काम कौन कर रहा है, ये एपोस्ट्रोफ एस कर रहा है। एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग जो किया जाता है मित्रों वह सजीव सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, निर्जीव सब्जेक्ट में आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। निर्जीव सब्जेक्ट में आप लिखना पड़ेगा द समथिंग ऑफ समवन, ठीक है ना, ऐसा लिखना पड़ेगा, ऑफ लगा करके इसका पोजेशन को आप व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैं बोलना चाहूँ कि अगर रहे कि व्हील्स, अगर मैं बोलूँ कि साइकिल, साइकिल्स व्हील, मतलब साइकिल का पहिया, तो साइकिल तो निर्जीव है ना, तो साइकिल अगर निर्जीव है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, पोस्ट ऑफिस नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप बोल सकते हैं द व्हील ऑफ द साइकिल, मतलब साइकिल की पहिया है। आप ऑफ लगा करके पोजेशन इसमें आप दे सकते हैं, समझे कि नहीं समझ सकते हैं। लेकिन कुछ वैसे भी वर्ड होते हैं जिसमें जो पजेसिव केस का इस्तेमाल किया जाता है, जो पजेशन के इस्तेमाल किया जाता है, वह पोस्ट ऑफिस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अराइवल मतलब आगमन, डिपार्चर मतलब अलग होने वाला के सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप मनी का सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है,
लेंथ का सेंस में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जो भौगोलिक पिंड होता है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिला स्टेट है ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट स्टेट और कंट्री को बताने वाले में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से किया जाता है। तो यह उसको अगर बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें समझाना है इन तीनों प्रकारों का कि क्या कैसे कैसे संबंध है, हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो हमने पजेसिव केस भी बताने में सफल रहा। अब मैं बताता हूँ कि डेटिव केस क्या होता है और वोकेटिव केस कैसे सम्मिलित कर दी गई है। तो देखिए, जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई बोलता है, अगर मैं बोलता है कि मदन मदन कम हियर, बोलते हो ना मदन कम हियर, मदन यहाँ आओ। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि बोलता है कि आकाश गो देयर, आकाश वहाँ जाओ। ठीक है ना, तो ये जो आपने जो संबोधन किया है, जो क्या किया है, वोकेटिव केस किया है, वोकेशन जो किया है आपने, यह क्या है, एक वोकेटिव केस है। इसी को तो आप वोकेटिव केस बोलते हैं, इसी को बोला जाता है कि यह वोकेटिव केस है जो आपने पुकार दिया है। ठीक है ना, यह क्या है, वोकेटिव केस है। समझ गए बात के, तो इस तरह जो वर्ड आते हैं उसको कहते हैं वोकेटिव केस बोला जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्ट के स्थान पर ही आया है, तो इसीलिए इस वोकेटिव केस को आप मान लिया गया है क्या, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस मान लिया गया है, क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट के स्थान पर ही ऐसा लग रहा है कि आ रहा है। ठीक है ना, ऐसा लग रहा है कि आ रहा है, इसीलिए लगने की वजह से सब्जेक्टिव केस को ना वोकेटिव केस को सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस मान लिया गया। अब मैं समझाने वाला हूँ कि डेटिव केस क्या होता है। बात रही थी डेटिव केस, और डेटिव केस को कहा जाता था ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। तो देखिए, अगर मैं लिख देता हूँ कि ही गेव मी पेन, ही गेव मी पेन, उसने मुझे कलम दिया, ही गेव मी ए पेन। ठीक है, उसने मुझे एक कलम दिया, ही गेव मी ए पेन, तो उसने मुझे कलम दिया, ये तो आप जानते हैं कि सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, और यह तो वर्ब है। ठीक है, अब मी क्या है, किसको दिया, मुझे दिया, होम का रिप्लाई मिल रहा है। एक बात मैं बता दूं मित्रों कि जो नाउन को पहचानना हो, प्रोनाउन को पहचानना हो, ठीक है ना, तो उसको पहचानने के लिए आपको होम, व्हाट और हु का रिप्लाई दिलवाना होगा। अगर इन तीनों में से किसी के रिप्लाई दे देता है तो आप समझ सकते हैं कि वह नाउन है या प्रोनाउन है, समझे कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर रिप्लाई किसका दे रहा है, होम का। ठीक है ना, अगर आपसे कहा गया कि ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे कलम दिया, उसने कलम दिया, ठीक है ना, किसको दिया, प्रश्न उठता है होम है ना, किसको दिया, तो किसको दिया, मुझको दिया, तो मुझको दिया ना, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और क्या दिया, व्हाट, क्या दिया, तो एक कलम दिया, क्या दिया, कलम दिया, तो ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, क्योंकि वर्ब के बाद आया था, क्या है, ऑब्जेक्ट है, हमने बतलाया भी था। और यह क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस में पहले नाउन या प्रोनाउन आया है, मतलब यह प्रोनाउन आया है तो सब्जेक्टिव केस है, अगर वर्ब के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आता है तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आया है, यह नाउन है और यह क्या है, प्रोनाउन है। पेन क्या है, नाउन है, और मी क्या है, प्रोनाउन है। पेन क्या है, नाउन है, और मी क्या है, प्रोनाउन है, सिंपल सी तरीका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मित्रों, इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वास्तविकता यही है मित्र कि इसको बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो इस तरह के सेंटेंस बनाए होंगे। अब पेन क्या है मित्रों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचाना है तो होम का रिप्लाई दिलवाना है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचाना है तो व्हाट का रिप्लाई दिलवाना है, बिल्कुल मिल जाएगा। क्या दिया है ना, व्हाट गिव्स, मतलब क्या दिया, तो एक कलम दिया, किसको दिया, होम गिव्स,
किसको दिया? तो मुझको दिया। किसको दिया? मुझको दिया। तो होम का रिप्लाई मिला तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट का रिप्लाई मिला तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेटिव केस कहा जाता है। इसी जो इनडायरेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको कहा जाता है डेटिव केस कहा जाता है। तो डेटिव केस के कारण अब ये ऑब्जेक्ट ही हैं, इसकी वजह से इसको डेटिव केस न कह करके अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में ही रख लिया गया। क्या रख दिया गया? ऑब्जेक्टिव केस में ही रख लिया गया। चाहे इनडायरेक्ट हो चाहे डायरेक्ट है, लेकिन है तो ऑब्जेक्ट ही ना है, ऑब्जेक्ट ही है ना, इसलिए डेटिव केस भी वही ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस में इसको रख लिया गया। तो मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से आप समझ गए होंगे और आपको तनिक भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपकी अगर राय रही, अगर आपकी अगर कमेंट अगर सही रहा, 100 कमेंट से अगर पार हुआ तो मैं बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक ला आपको इंग्लिश ग्रामर इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मुफ्त में पढ़ा दी जाएगी और इसी पैड पर पढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि मेरे पास उतना व्यवस्था नहीं है कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड लाऊं और कैमरा के द्वारा मैं आपको लाइव पढ़ा सकूं। मैं तो इस वक्त भी लाइव नहीं पढ़ा सकता, मैं पढ़ाने में असमर्थ हूं, क्योंकि अगर लाइव स्टार्ट करता हूं तो यह स्टार्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर पूर्ण होते ही यह लाइव स्टार्ट करने की अनुमति यूट्यूब देता है, नहीं तो यह स्टार्ट में ज़रूर कर देता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। एक बात ध्यान और रखिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो का हिस्सा, इस चैनल का हिस्सा और बहुत सारे आपको ये साथीगण बने और इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। इस वीडियो पर, इस चैनल पर आप जैसे चाहें मैं वैसे वीडियो बना कर दूंगा, अर्थात आपकी भाषा में, ठेठ भाषा में बतला सकता हूँ, ठीक है ना। और इस पर अगर आप ऐसे आपको जानना चाहते हैं तो उस भाषा में बता सकता हूँ, ठीक है। तो आप जैसा चाहिए वैसे मैं बता सकता हूँ, इसलिए आप इस वीडियो पर शेयर कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके इसको आगे बढ़ाइए, इस परिवार को और बड़ा कीजिए, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मैं और अच्छी तरह से इस वीडियो को बनाऊं और अच्छी तरह से इसको हम अच्छी तरह से डिज़ाइन करूं, तैयार करूं, ठीक है।